हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हेडफोन्स रिव्यू, जो कि मैंने मीशो से लिया है। और आपको पता है कि मीशो में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फेक ब्रांड के अंदर मिलते हैं। फेक ब्रांड यानी कि रियल जो ब्रांड होते हैं मार्केट में, उन्हीं का नाम यूज़ करके ये कुछ दूसरे ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। और मैंने ही ट्राई करने के लिए ये प्रोडक्ट्स मंगवाए थे मीशो से, और ये कुछ दिन पहले डिलीवर हुए हैं। और जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे वो है ये हेडफोन्स, जो मेंशन किया गया है कि ये वीवो का हेडफोन है। ये दो मैंने हेडफोन्स मंगवाए थे, और जिसका प्राइस डिटेल्स वगैरह आगे आपको मेंशन हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंशन कर दूँ, इस प्रोडक्ट का जो कोड है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मीशो में ये प्रोडक्ट के इमेजेस लेके भी सर्च कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट के जो कोड्स है वो भी सर्च करके इस प्रोडक्ट को आपको मिल जाएगी। तो पहली मैं बात बताऊँ, जब मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तब ये है सेट ऑफ टू, सेट ऑफ थ्री, सेट ऑफ फोर करके मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा उसका प्राइस अकॉर्डिंग टू द सेट्स। तो मैंने सेट ऑफ टू हेडफोन्स लिए थे, और जो हेडफोन्स का मुझे प्राइस पड़ा वो है 196 रुपीज़, जिसमें मुझे दो हेडफोन्स मिले हैं। और मेंशन किया है कि वीवो का हेडफोन है, हालांकि बिल्कुल नहीं, दिखने में ही फेक लग रहा है, यानी कि ये वीवो के हेडफोन्स तो हो ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता वीवो के रियल हेडफोन्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, मैंने क्योंकि कभी मैंने वो यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप इसको हाथ में लोगे या फिर इसकी क्वालिटी चेक करोगे तो पता ही चलेगा कि इसका क्वालिटी कितना लो है। और जो मुझे बहुत मतलब डर लगता है कि ये जो हेडफोन्स आए हैं ना, इसका ये वाला वायर देखो कितना थिक है, विच इज़ फाइन, बट ये वाला वायर अब देख लो कितना पतला है। लाइक कोई खींचेगा कुछ, मतलब गलती से अगर कुछ हो गया, खिंचाव पड़ गया तो ये तो टूट जाएगा। और दूसरी बात है ये, इसका जो हेडफोन जो आप ईयर में प्लग इन करने के लिए लगाओगे, ये आप ऐसे ही लगाओगे तो आपको डग 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 आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि बहुत लूज़ है। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा इससे टू इस पार में भरोसा नहीं हो रहा कब क्या हो जाए। तो बहुत ध्यान से संभाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये दूसरा इस तरह का पैकिंग में आया था, अरे मैं क्या कर, अरे इस तरह का पैकिंग में आया था, और इसको निकालते ही इतना ऐसा एक लेंथ है। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर एक माइक दिया गया है जिसके साथ एक बटन है जिसको प्रेस करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो उसको पॉज रिज्यूम कर सकते हो। और यहाँ माइक टू लेके जो प्लग का होता है, इस ये लेंथ बहुत छोटा है। मैं पीसी के जो सीपीयू में लगाती हूँ, मेरे कान तक बहुत दूर तक आता ही नहीं, बहुत छोटा है ये लेंथ। तो ये सेम टाइप का चीज़ ये भी होगा। तो मैंने इसको नहीं अनबॉक्स किया, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से। तो क्या हुआ कि इसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, वो काफ़ी हद तक अच्छी है। बट मैंने पहले जब प्लग इन किया था टेस्ट करने के लिए तो साउंड नहीं आ रही थी। तो जब मैंने ये वाली जो होती है इसको जब मैंने थोड़ा सा घुमाया तब जाके साउंड अच्छे से आया। पहले क्या होता था, इस वाले ईयर में ईयर बर्ड्स में आ रही थी, इस वाले में नहीं आ रही थी। तो मैं प्रॉपर इसको घुमा के सेट कर रही थी, तब जाके प्रॉपरली अभी फुल्ली दोनों ईयरबर्ड्स में आते हैं साउंड। तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है, मैं वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूँगी, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है। बट वहाँ बहुत रिस्की है इसको संभालना। हाँ, एक चीज़ बहुत रिस्की है कि कभी आप बाहर जा रहे हो, इसको अगर कहीं से भी अगर आप ज़बरदस्ती निकालोगे तो चांसेस हो सकते हैं कि यार तो टूट जाए, या फिर ये वाला ही जो इनका जो ईयरबड्स है वो डैमेज हो जाए, तो वहाँ से एक थोड़ा रिस्क आ जाता है। और बाकी मैं कहूँ तो बहुत ही मतलब हैंडली आप बोल सकते हैं, लाइक हैंड फ्रेंडली बोल सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली नहीं बता सकती कि कब कहाँ क्या हो जाए। तो डिलीवरी का मैं स्टोरी बताती हूँ कि जब डिलीवरी बॉय आया मुझे डिलीवर करने का, तो इतना सा पैकेट में आया था, तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मैंने तो दो हेडफोन्स मंगवाए थे, तो इतना में क्या हेडफोन्स आएगा। तब मुझे देखा कि ये तो ऐसे साइज इसमें आ रहे हैं, लाइक ऐसे पैकिंग पे आ रहा है, तो तब तो इस दूसरे बॉक्स में आ ही जाएगा विद दिस बबल रैप थिंग। तो इसका प्राइस के हिसाब से आई थिंक साउंड क्वालिटी के हिसाब से इट वर्थ्स, बट हाँ इसकी जो
मटेरियल है या फिर ज़्यादा जैसा डिज़ाइन है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत रिस्की लग रहा है कि उसको हैंडल करना। और यहाँ पर मेंशन है कि ये वीवो लिखा हुआ है, जिस तरीके से वीवो लिखा हुआ है कतई नहीं लगता कि ये रियल ब्रांड है, वीवो से तो होगा ही नहीं, एक्चुअली ये फेक ब्रांड है। और मतलब रियल ब्रांड के नाम को यूज़ करके कुछ भी प्रोडक्ट्स बेच रहते हैं और हमें लगता है कि ये रियल है। और इनका जो देख ही सकते हैं बहुत, अगर मैं बाकी दिखाऊं कि ये कुछ सेट ऑफ 3, 4, 5, 6 बहुत सारे मिलते हैं और इसके अंदर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। मैं मीशो में पर्टिकुलरली ज़्यादातर वही प्रोडक्ट्स लेती हूँ जिसके अंदर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है या फिर इमेजेस में दिखाई देंगे कि इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद एक्चुअल में कैसी लगती है। तो हालांकि इसको बहुत लोगों ने लिया है और काफ़ी अच्छी रिव्यू भी दिया है। मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा जो फैक्टर मैंने जो बताया कि मैं बार बार इसको ही रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हाँ सिर्फ साउंड क्वालिटी ही सही नहीं लगेगा, आजकल तो ज़माना है ब्लूटूथ ईयरबड्स या ईयरपॉड्स को यूज़ करना, तो वहाँ पे हेडफोन जो वायर वाले हेडफोन्स बहुत ही कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, 1,000-1,500 रुपये के आता है मिनिमम। लेकिन ये जो हेडफोन्स है ये 100-400-200 में आ जाते हैं। और अगर आपको वायर वाले हेडफोन्स यूज़ करने हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सैमसंग का ले सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी आती है, उसकी जो जो इनकी वायर की जो थिकनेस आती है वो बहुत कमाल की आती है। और आप मीशो से हेडफोन्स ना ही लो, क्योंकि मीशो से जैसे हम मेकअप नहीं ले सकते प्रॉपरली, जब वैसे हेडफोन्स भी प्रॉपरली नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी फेक ब्रांड्स के अंडर ही आते हैं और यहाँ पर गारंटी नहीं होती। एक और चीज़ जो है, मैंने जो ये हेडफोन्स अपने रिस्क पे लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है। अगर ये डैमेज हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम या फिर कुछ हो जाता है, जो आपकी आपकी गलती जहाँ पर नहीं, अगर ये डैमेज होता है तब आपको अलग से 126 या फिर 26 रुपीज़ देनी पड़ेगी फॉर द रिटर्न। अगर ये हेडफोन 2 दिन के बाद ख़राब हो गया या फिर डिलीवरी के टाइम ख़राब हो गया, मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती। अगर रिटर्न भी किया तो अलग से मुझे पैसे देने पड़ेंगे या फिर पैसे काटे जाएंगे वहाँ से, पैसे देने, हाँ पैसे आपको वापस नहीं लेंगे, बट वो वाले जो रिटर्न वाले जो पैसे हैं 26 रुपीज़ या फिर कुछ, वो काट के आपके पास आएंगे। तो दैट इज़ रियली नॉट गुड, यानी कि कंपनी को खुद मतलब सेलर को खुद भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर रिटर्न आ जाएगा तब तो उसका पैसा लॉस हो जाएगा। तो ये मैंने अपने रिस्क पे लिया है, देखते हैं कि कितने दिन चलती है। और ये 2 हेडफोन्स मैंने लिया है क्योंकि एक तो मुझे PC में लगानी है, एक फ़ोन में लगानी है। मैं ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स भी यूज़ करती हूँ, ये वाले हेडफोन्स पीट्रोन के मैं हेडफोन्स यूज़ करती हूँ। इसका मैंने रिव्यू पहले से करके रखा है, आपको पता ही होगा, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, बहुत रिसेंट रिव्यू है। ओके, सो आज का रिव्यू यहाँ पर ख़त्म होता है। हालांकि मैं टेक रिव्यूअर तो होने जितना एज अ यूज़र मुझे जितना जितना फॉल्स लगता है या फिर जितना जितना रिव्यू के हिसाब से मुझे लगता है इसको यूज़ करने के बाद यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं वो मुझे लगता है, तो मैं वो आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ। मैं कोई एक्सपीरियंस रिव्यूअर या फिर एक्सपीरियंस टेक रिव्यूअर नहीं हूँ, मुझे एज अ यूज़र जो अच्छा लगता है मैं वही बताती हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आज का रिव्यू वीडियो बताना ज़रूर, और स्टोरी टाइम वीडियो आपको कैसी लग रही है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं बहुत ज़्यादा स्टोरीज ला पाऊँ अपने खुद की रियल स्टोरीज। और ये वाली जो मेकअप लुक है मैंने मीशो के मेकअप प्रोडक्ट से किया है, कैसी लग रही है वो भी बता देना, बहुत देर से मैं इसको पूछने वाली थी, पूछ नहीं पाई। ओके सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।